19वीं सदी का सबसे चर्चित नाम शायद आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 कोलकाता के कायस्थ परिवार में जन्मे इनके बचपन का नाम वीरेश्वर था तथा इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और दादा दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। इनकी माता बहुत ही सरल और धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद समाज की तकलीफें, भ्रष्टाचार, गरीबी और मारकाट से बहुत दुखी थे। अपने किताबी ज्ञान से परेशान होने लगे थे। 1881 में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम मुझे देख रहे हो। ये शरीर नश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, वही भगवान का अंश है। लाचार और गरीब लोगों की सहायता करके भगवान की सेवा की जा सकती है। 16 अगस्त 1886 रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। प्राण त्यागने से पहले स्वामी विवेकानंद को अपने शिष्यों का प्रमुख घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने संन्यास धारण किया और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वराहनगर मठ की स्थापना की। भगवा वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल लिए, पैदल ही भारत के उपमहाद्वीपों की यात्रा किए। पूरा भारत इनका घर बन चुका था और भारतीय इनके भाई बहन। स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली कोलकाता से लगभग 2350 किलोमीटर दूर भारत का अंतिम शहर, समुद्र के किनारे बसा कन्याकुमारी। ये वही पावन धरती है जहां पूरे भारत का भ्रमण करते हुए 25 सितंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की नज़र समुद्र में स्थित उन शिलाओं पर पड़ी जहां माता पार्वती ने कन्या देवी के रूप में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद उन शिलाओं पर जाके तपस्या करना चाहते थे, लेकिन नाविक को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो ठान चुके थे ध्यान और ज्ञान के लिए उन शिलाओं तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद 1500 मीटर समंदर की तेज लहरों में तैर कर तय किए। अपने साहस, विवेक और बहादुरी का परिचय देते हुए 25 सितंबर 1892 से लगातार 3 दिन और रात इन्हीं शिलाओं पर देवी का ध्यान किया। स्वामी विवेकानंद को जिंदगी का मूल अर्थ मिल गया था। सनातन धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व भ्रमण पर निकल गए। स्वामी विवेकानंद ऊंच नीच, जाति धर्म नहीं मानते थे। इन्होंने नारी शिक्षा, अधिकार, बाल विवाह पर काम किया। स्वामी विवेकानंद को देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई 1893 को विश्व यात्रा की शुरुआत करते हुए जापान, चाइना से होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से किए। ये सुनकर सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इन्होंने हिंदू दर्शन का प्रचार प्रसार किया। भारत लौटने के बाद इनका बहुत सम्मान हुआ, लोग इन्हें भगवान की तरह मानने लगे। स्वामी विवेकानंद का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, शायद आपको पता होगा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 39 वर्ष की आयु में इनकी सेहत खराब होने की वजह से 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।